क्या कहता है, क्यों कहता है, इतना सोचने का समय मीरा के पास नहीं है, वो केवल गाती है। इसीलिए मीरा की बात बात नहीं है, मीरा की बात वाणी है। आप में से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनको सत्संग सुनते इतना समय हो गया होगा जितनी मेरी कुल अवस्था नहीं है। पता नहीं कितने रामचरितमानस के, कितने भागवत के, कितने गीता के पारायण आप कर चुके होंगे, सुन चुके होंगे। लेकिन रामचरितमानस जैसे रसायन होता है ना, आयुर्वेद की पद्धति में जो रसायन औषधि होती है वो बड़ी थोड़ी सी लेनी पड़ती है, बहुत अधिक लेने से तो शरीर को हानि हो जाती है, प्राण भी जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही रामचरितमानस, गीता और भागवत ये तो ऐसे रसायन है कि जीवन भर इनका पारायण करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी बात पर्याप्त है जीवन को बदल देने के लिए। जब तुलसी कहते हैं जाही न चाहे कबहुँ कछु तुम संग सहज सने बसों निरंतर ताके उर सोराउर निजगे। मैं 2.5 वर्ष का था, एक मंदिर में शंकर जी को नित्य अर्घ अर्पण करने के लिए जाता था। जिस बालक ने अभी क ख ग भी नहीं सीखा हो, उस मंदिर के जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भगवान की ऐसी प्रेरणा है कि मैं तुमको रामचरितमानस सिखाऊं। रामचरितमानस भी उन्होंने दिया, अभी तक वही रामचरितमानस मेरे पास में है। आप विश्वास करना, मैं एक भी बार अभी पूरी तरीके से रामचरितमानस नहीं पढ़ पाया हूं। तुलसी की कई बातें ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि पूरा जीवन यदि इनका चिंतन किया जाए, जितनी बार पढ़ो उतनी बार कोई बात निकल के आती है। खैर विषयांतर हो जाएगा। मैं कह रहा था कि तुलसी ने कहा अब मोई भाव भरोस हनुमंता। केवल भाव नहीं है, क्योंकि भाव सुकोमल होता है। भाव को टिकाने के लिए जीवन में भरोसा चाहिए। सत्संग में आपको जो भाव प्राप्त होता है वो भाव तो निश्चित सुंदर है, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा परम सुंदर है। कोई भी कहे, कहीं भी कहे, किसी से भी कहे, ये बात अर्थ नहीं रखती, ये बात इतना मायना नहीं रखती कि कथा कौन कहता है। निश्चित रूप से जैसे पका फल मीठा होता है, तोते का चखा हो तो फिर मिठास का कहना ही क्या, ऐसे ही श्री कृष्ण की कथा मधुराति मधुर है। लेकिन कोई रसिक कहे फिर उसकी मिठास का कहना ही क्या, फिर उसकी मधुरता का कहना ही क्या। कोई भागवत जब भागवत कहता है, भगवान की भक्ति में स्थिर आत्मा, अमल आत्मा जब श्री कृष्ण की कथा कहता है, तो श्री कृष्ण की कथा केवल एक ही प्रसाद देती है, और वो है श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की भक्ति। ये वो अमोघ औषध है जो खाली नहीं जाती। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। संत का संग खाली नहीं जाता, सत्संग निष्फल नहीं जा सकता। कथा निश्चित रूप से व्यथा का हरण करती है, इसीलिए ये बात इतना मायना नहीं रखती कि कौन कहता है। हाँ, कोई भागवत कहे तो फिर उसके फल का कहना ही क्या है। तो भाव सुकोमल है, सुंदर है, आपको प्रिय लगता है। अब जितने दिन इस भावोत्सव का आयोजन होगा उतने दिन अगर आप इस भावोत्सव का आनंद लेंगे तो आपको लगेगा कि वृंदावन का भाव कितना सुंदर है, वृंदावन के भाव में आपका मन रमण करने लगेगा। लेकिन भरोसा न होने से व्यास गादी की बात सुंदर लगे एक अलग बात है, व्यास गादी से कई बात आपको मीठी लगे, मधुर लगे, ये अलग बात है, क्योंकि वो बात है ही मीठी। आप में से कौन ऐसा है जिसके हृदय में, जिसको भगवान कहते हैं मामेई वंशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, आप में से कौन ऐसा है जो प्रेम नहीं करता हो किसी से कभी, जो प्रेम करना न जानता हो, प्रेम से जिसका परिचय ना हो,
तो मैं उस प्रेम सागर की बात कहूंगा, मैं उस प्रेम सिंधु की बात कहूंगा, तो आपको क्यों प्रिय नहीं लगेगी? आपको अच्छी लगेगी, आपको मीठी लगेगी, मधुर लगेगी। तो भाव सुंदर है, लेकिन कथा के बाद जिसकी कथा कही जा रही है उसके चरणों का भरोसा भी हो जाए, ये मैं नहीं कह सकता। भाव सुकोमल है, सुंदर है, प्रिय लगता है, फूल किसको नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये मार्ग ऐसा है जो फूल के साथ साथ कांटे की बाड़ भी लगाना जानता, भरोसा सुदृढ़ है। इसलिए तुलसी कहते हैं, बोले खाली भाव नहीं है मुझे, भरोसा भी है। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, और भगवान की कृपा के बिना जीवन में संत नहीं आता, जीवन में सत्संग नहीं आता। आप में से सबके पास प्रकृति प्रदत्त बहुत बहुत साधन होंगे, बहुत बहुत सब कुछ होगा, लेकिन आपके मुझ में से और इन तीनों लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना सारा साधन खर्च करके भी एक क्षण का सत्संग प्राप्त कर सके। इसीलिए जब जब कभी धन या साधन की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए आज यहाँ व्यास गादी पे कोई 5 करोड़ रुपए रख दे, तो क्या 5 करोड़ रुपए रख के 5 मिनट का भी सत्संग सुन सकता है? नहीं सुन सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए संत ही चाहिए, इसके लिए वो जला हुआ दीपक चाहिए, इसके लिए वो जागी हुई चेतना चाहिए जो दूसरे को जगा सके अपने बल से, अपने सामर्थ्य से। यही संत की कृपा है। आप जपे औरन जपावे, सोई साचो साध कहावे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि इस भाव के साथ साथ आपके हृदय में भरोसा भी सुदृढ़ कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन इतना जरूर लाभ है इस आयोजन का, या ऐसे ऐसे आयोजनों का इतना लाभ जरूर है कि जैसे क्या होता है, नदी के किनारे जहाँ रेत होती है, उस रेत पर भी बहुत बार चलने से, बहुत बार आने जाने से क्या होता है, रेत पे भी एक पगडंडी सी बन जाती है, एक मार्ग सा बन जाता है, जिस पर जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको वो मार्ग सा प्रतीत होता है, उसको रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, वो उसी पर चल देता है। ठीक ऐसे ही बार बार इस सुंदर सुकोमल भाव का आनंद लेने से, बार बार कान से ठाकुर जी की कथा सुनने से, बार बार कृष्ण कथा कान से हृदय तक जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान प्रिय लगने लगते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। साधु संग करने से, संत का संग करने से, निरंतर करने से, सतत करने से, एक ना एक समय आता है जब भगवान प्रिय लगने लगते हैं, जब आपको भगवान की चाह होने लगती है। सत्संग भगवान नहीं देता, भगवान से मिलने की लालसा देता है। सत्संग सुन लिया तो ये मत समझो कि भजन हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक संस्कार चैनल चलाया, आस्था चैनल चलाया, सुबह से लेकर रात तक पूरा 24 घंटा चलता है, पता नहीं कितनी भागवत सुन ली, कितनी रामायण सुन ली, और यही मन में रहता है कि सत्संग हो गया। हमारा तो भजन यही है महाराज जी, हम तो सारा दिन कथा सुनते हैं, सारा दिन कथा की तो आवश्यकता नहीं है। सत्संग तो केवल लालसा को जगाने के लिए है। जैसे क्या होता है, किसी को अग्निमंद रोग हो जाए, जठराग्नि मंद पड़ जाए, तो उसको भूख नहीं लगती, तो भूख लगाने के लिए औषधि दी जाती है, लेकिन औषधि भूख जागृत करने के लिए है, पेट भरने के लिए नहीं है। औषधि केवल उतनी ही दी जाती है, और तभी तक दी जाती है जब तक अग्नि जागृत न हो जाए। ठीक उसी प्रकार सत्संग उतना ही करे जितना आपके भाव को पोषण दे सके, और तभी तक सत्संग होता है जब तक लगन लग नहीं जाती। फिर आप सोचो कि कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर क्या लगन लगने के बाद सत्संग बंद हो जाता है? ऐसा नहीं है,
लगन लगने से पहले सत्संग किया जाता है और लगन लगने के बाद सत्संग होता है। ऐसे रविदास कहते हैं, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा और तुम सा ठाकुर और न देवा। फिर एकादशी पूर्णिमा नहीं रह जाती, फिर सोमवार मंगलवार नहीं रह जाता, फिर जित देखो तित श्याम भई, लगन लगने के बाद। प्रीत जुड़ने के बाद। और मेरा तो विचार ऐसा है कि बहुत जगह सत्संग सुनना, सभी की बात सुनना कुसंग करने जैसा है। सभी की बात आपके उपयोगी नहीं हो सकती। भगवान से प्रार्थना करें सर्वप्रथम, क्योंकि सर्वप्रथम जो आपके और मेरे पास में साधन है, जो सबके पास समान है, वो है श्री ठाकुर जी, उनका भाव और उनका नाम, जो सबके लिए है, सबके पास है, समान रूप से सबके लिए कार्य करता है। तो सबसे पहले भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवान के चरणों का आश्रय ले, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान के श्री चरणारविंद में सतत याचना करे कि प्रभु आप मुझे मेरे अनुरूप मेरे अनुकूल मार्ग प्रदान करें, मुझे जीवन में संत का संग प्रदान करें, क्योंकि मुझे भी भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और किसी साधन की बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को उसका अनुभव नहीं है, ना योग का, ना यज्ञ का, ना जप का, ना तप का, ना व्रत का, ना पूजा का। ये सब साधन मैंने करके नहीं देखे, इनको करने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सीधे सीधे वृंदावन की बात जानता हूँ, प्रेम की बात जानता हूँ, सोई कहता हूँ, सोई गाता हूँ, और उसी के बल पर ये जरूर कहता हूँ कि हरि रीझे तो मुक्ति दे, भगवान किसी पर रीझते हैं तो अधिक से अधिक मुक्ति देते हैं। बहुत लोग भगवान का गुण गाते हैं ना, कि पूतना को भी सदगति प्रदान की, कंस को भी सदगति प्रदान की, रावण को भी सदगति प्रदान की, तो ये तो खैर उनका स्वभाव है, लेकिन भगवान रीझते हैं तो मुक्ति देते हैं। मुक्ति कैसी भी हो सकती है, सालोक्य हो सकती है, सारूप्य हो सकती है, सायुज्य हो सकती है, साष्टी हो सकती है, सामीप्य हो सकती है। तो हरि रीझे तो मुक्ति दें, पर हरिजन हरि ही देत। लेकिन भगवान के भक्त रीझते हैं तो वो केवल भगवान को ही देते हैं, क्योंकि भगवान बड़े चतुर हैं। उनकी माया सोचो आज तक जीव को घुमाती आ रही है, आज तक जीव को भटकाती आ रही है। भगवान की माया में ऐसा सामर्थ्य है, आप सोचो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर श्री ठाकुर जी की कृपा न हो, उनकी करुणा पूर्ण, उनकी स्नेह पूर्ण दृष्टि न हो, तो जीव को सत्संग प्राप्त हो ही नहीं सकता। उनकी माया में इतनी सामर्थ्य है, वो इतने प्रबल और इतने सबल हैं कि संसार की शुद्र से शुद्र चीज में अगर भटकाना चाहें तो जीव को अनंत जन्म भटका सकते हैं। आप सोचिए, भक्ति मार्ग के प्रतिष्ठाता प्रणेता, संसार को भक्ति का उपदेश करने वाले नारद जी, और भगवान से जाकर क्या याचना करते हैं? जो नारद जी भक्ति का तत्व जानते हैं, उत्तम भक्ति का, वो नारद जी भगवान से जाकर क्या प्रार्थना करते हैं? कि मुझे विवाह करना है, मुझे अपने जैसा रूप दीजिए, मुझे वो राजकुमारी, वो बड़ी प्रिय है, उसी से विवाह करना है। सोचो कौन कहता है? भक्ति का प्रतिष्ठाता। भगवान की माया कब किससे क्या करा ले, क्या कहला ले, कोई नहीं जानता। इसलिए साधक जो सतत सावधान, और सतत सावधान ये केवल शब्द का विषय नहीं है, सतत सावधान आपको कह तो संत कर सकता है या सत्संग कर सकता है। अच्छा, अभी क्या है ना, महीना में, दो महीना में, छह महीना में कोई एक आध कथा सुना तो सोचा कि सत्संग हो गया, पर रसिकों का मत है, संतों का मत है, सत्संग सतत करे, निस्दिन या में आलस ना करे। फिर आप कहोगे, अभी तो आप कह रहे थे कि सत्संग तो बहुत थोड़ा ही आवश्यक है। आपने और मैंने सत्संग की परिभाषा गलत बांधी है। आप यहां सुनने के लिए आए, मैं यहां सुना रहा हूं, आपके और मेरे मत में इसी का नाम सत्संग है। पर वस्तुतः केवल इसी का नाम सत्संग नहीं है, भगवान के नाम का जप करना,
भगवान के रूप का चिंतन करना, भगवान की लीला का श्रवण कथन करना, भगवान के धाम में वास करना, किसी संत की वाणी का चिंतन करना, गीता भागवत रामायण का अध्ययन करना, ये सब सत्संग है। और मैं तो इसी को सत्संग मानता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा होता है कि महाराज आना तो चाहते थे सत्संग में, नहीं आ सके, जबकि ठाकुर जी सत्संग के मामले में, प्रसाद के मामले में ऐसी विषमता कैसे कर सकते हैं। सत्संग कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। पर क्या है ना, आपने और मैंने परिभाषाएं गलत सीखी हैं। सत्संग केवल यही जो आज यहां हो रहा है। कहां जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? सत्संग में आ रहे हैं। सत्संग में गए भी और वहां से आ भी गए। सत्संग इसलिए थोड़ी है कि आप जाएं और फिर वहां से लौट आएं। सत्संग तो वो आनंद है, सत्संग तो वो रस है जिसमें मन रमण करना चाहिए। एक भाव होता है, जैसे मैं कई बार कहता हूं, एक स्थिति है जब भजन करना पड़ता है, एक स्थिति है जब भजन होता है, अपने आप होता है, और एक स्थिति है जब भजन में मन रमण करता है, जब भजन मय मन हो जाता है, भजन मय जीवन हो जाता है। हाँ, ये स्थिति कृपा से प्राप्त होती है निश्चित, लेकिन आरंभ तो सबको करने से करना पड़ता है। महाप्रभु कहते तनई राख सत्संग में, मनई प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से।